उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सजा चुनावी रण। अब की बार यूपी में चलेगा किसका जादू? भैया जी के खाते में आएंगी कितनी सीटें? क्या बसपा का हाथी यूपी में टिक पाएगा? क्या यूपी से पूरा होगा मोदी का मिशन 400? क्या कहती है कुंडली विशेषज्ञ पंडित विशाल शुक्ला जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूँ आपके साथ विशाल शुक्ला। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनावों के बारे में। लोकसभा चुनाव, उसमें भी जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, उसमें सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 सीटें लोकसभा के अंतर्गत आती है। अब ऐसे समय पे जिसमें लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उसका चौथा चरण आने वाला है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही हैं। चुनाव प्रचार में, डोर टू डोर कैंपेनिंग में हर तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीन पार्टियों में कड़ी टक्कर है इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब चूंकि कोई सामान्य चुनाव तो है नहीं, लोकसभा का चुनाव और सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मायावती जी की कुंडली के ऊपर, अखिलेश यादव जी की कुंडली के ऊपर और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं अगर हम मायावती जी की कुंडली की, तो मायावती जी की जो कुंडली है वो कर्क लग्न की है और उनकी राशि है मकर। कर्क लग्न और मकर राशि, मकर राशि में वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है और शनि वर्तमान समय में मकर राशि में कुंभ में संचरण कर रहे हैं, यानी मकर राशि वालों को आखिरी ढैया। कर्क लग्न होने की वजह से शनिदेव का संचरण कुंडली के अष्टम भाव से हो रहा है। अब अष्टम भाव किस चीज का है? संघर्ष का भाव है। अष्टम भाव से जीवन काल में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, तो अष्टम भाव को संघर्ष का भाव कहा गया। अब चूंकि प्रिय दर्शकों वर्तमान समय में मायावती जी की बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो कि ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में बुध 12वें और तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जो सर्वाधिक अकारक ग्रह है। तो इस परिपाटी, इस परिवेश में अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है ज्योतिषी गणना के आधार पर। ये उम्मीद करना बिल्कुल गलत होगा कि पार्टी सत्ता में आएगी या पार्टी केंद्र में अपनी एक छाप छोड़ेगी, ऐसा कहना संभव नहीं है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, संघर्ष अभी भी देखना पड़ रहा है, चीजें अभी भी बेहतर नहीं है, पार्टी के पक्ष में नहीं जा रही है, ये जग जाहिर है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो मायावती जी के लिए चुनाव कठिन परिणाम है, कठिन संघर्ष है, लेकिन हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं आगे अखिलेश यादव जी की कुंडली। प्रिय दर्शकों, अखिलेश यादव जी की कुंडली है कन्या लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन, यानी कि लग्न और राशि दोनों के स्वामी बुध ही हैं। वर्तमान समय में इनको इस कुंडली के योग कारक ग्रह शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अंतर चल रहा है। देखिए प्रिय दर्शकों, आपको एक छोटी सी बात बता दें, जब किसी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का अंतर आता है तो ये कोई बहुत अच्छा रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र को योग कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए शुक्र की महादशा इनके लिए बेहतर है। चुनाव के नतीजे, जीत हार की चर्चा यहां पे नहीं की जा रही है, लेकिन हां एक बात आप जान लें कि चौथे घर में राहु बैठा हुआ है जो आकस्मिक रूप से उत्थान कराएगा और आकस्मिक रूप से पतन भी कराएगा। क्यों? क्योंकि चौथा घर जनता का भाव भी होता है। तो जनता की तरफ से प्रिय दर्शकों, चूंकि कन्या लग्न है और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कन्या लग्न के सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि के आधार पर अगर हम देख लें तो सप्तम स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं और उनकी तीसरी दृष्टि कुंडली, नवी दृष्टि माफ करें, कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है।
अगर इस कैलकुलेशन को हम ठीक से विस्तारें, इसको अगर हम गणना करें, तो यकीन जानिए चौथे का राहु कोई बहुत श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी यह परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छे और संतोषजनक रहेंगे। यह परिणाम अखिलेश यादव जी के लिए कोई सामान्य नहीं आएंगे, संतोषजनक और अच्छे परिणाम के संकेत दिखा रहा है, तो यहां पर इनका पक्ष मजबूत होता हुआ चला जाएगा। जीत हार के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कहूंगा, जीत हार के ऊपर डिस्कशन नहीं है। हम एक सामान्य प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि गणनाओं के आधार पर पार्टी किस तरफ जा रही है, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छा है ऐसा मैं नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी के लिए हालांकि स्थितियां संतोषजनक बनी हुई है। अब चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का प्रतिनिधि वर्तमान समय में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए इस काल के आधार पर नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली की गणना है वो हमारे सामने आई है। आइए आपको इससे अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि यानी लग्न में ही चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। वृश्चिक लग्न, लग्न में ही मंगल है, लग्न में ही चंद्रमा है, तो चंद्र मंगल योग, ऊपर से मंगल लग्न में है तो रूचक राजयोग, पंच महापुरुष योगों में से एक रूचक राजयोग। लग्न में चंद्रमा, चंद्र मंगल, लक्ष्मी योग। आगे चर्चा करें तो ये प्रिय दर्शकों गुरु इनके नवमांश में चौथे घर में और लग्न में भी चौथे ही घर में बैठे हैं। अब चौथा घर किस चीज का होता है, तो चौथा घर होता है जनता का भाव। अब जनता के भाव में लग्न और नवमांश चक्र में देव गुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का बैठ जाना, धर्म से उत्थान, धार्मिक कृत्यों से उत्थान, जनता के बीच में एक गरिमामयी छवि, या यूं कह दीजिए कि जनता के मध्य धार्मिक रूप से उभर करके आना, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। और वर्तमान समय में इनको मंगल की ही महादशा चल रही है, उसमें शनि का अंतर चल रहा है। प्रिय दर्शकों वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया भी चल रही है, जो कि चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। उसके बावजूद याद रखिए एक चीज कभी मत भूलिएगा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो लोग कर्म प्रधान है, जो पुरुषार्थ में बिलीव करते हैं, जो पराक्रम को महत्व देते हैं, शनि हमेशा उनका उत्थान करेंगे, पतन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पिछले समय पे 7.5 का दौर चला था तो वो प्रधानमंत्री पद पे आए थे, और अब पुनः शनि की ढैया का दौर है, और शनि की ढैया निश्चित रूप से बीजेपी को यहां पे बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। इनकी कुंडली का जो विश्लेषण है वो निश्चित रूप से इनके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि मंगल की महादशा, रोचक राजयोग, मंगल पे शनि का अंतर, यह स्थिति इनकी जन्म कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। हालांकि शनि और मंगल पारस्परिक शत्रु हैं, लेकिन उसके बावजूद यह बात भी तय है कि आगे जाके कुछ छुटपुट उतार चढ़ाव देखने में आएंगे, लेकिन वर्तमान समय की प्रेडिक्शन को अगर हम देखें, वर्तमान समय की स्थिति को देखें, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन अगर हम लोग ठीक से करें, तो यकीन जानिए यह समय, यह काल उनके लिए श्रेष्ठ है, शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों कम शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की टक्कर होने वाली है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में, इसकी चर्चा हमने एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखी। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।